Hi everyone, and let's quickly continue with the next question of the true and false series. And this time it is from partnership. A partnership ka bhi waisa topic jisme sabko dikkat hoti hai. ठीक है, तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को. सो इफ इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज आर टेकन इन द नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड प्रीमियम इज पेड फ्रॉम द फर्म, बाय द फर्म होना चाहिए वैसे तो, खैर, तो देन रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सरेंडर वैल्यू ऑफ हिज पॉलिसी ओनली, ट्रू और फॉल्स. ठीक है, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस लेट मी टेल यू वन थिंग कि अक्सर क्या होता है कि ज्वाइंट पॉलिसी या सरेंडर पॉलिसी में ना हम लोग बड़े इमोशनल होके, भावुक होके सोचने लग जाते हैं. ये गलत है, आपको यहां पर सीधे सीधे प्रैक्टिकली सोचना है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. सो दोस्तों एक बात याद रखना, ये जो है पॉलिसी क्यों निकाला जा रहा है, ताकि प्रॉपर सेटलमेंट हो पाए रिटायरमेंट और डेथ के वक्त में, बिजनेस को अपने फर्म को अपने पूरे एसेट्स वगैरह ना बेचने पड़ जाए, इसलिए दे टेक आउट अ पॉलिसी. ठीक है, फॉर स्मूथ सेटलमेंट. अब ये पॉलिसी किसने निकाला, फर्म ने निकाला. किसने प्रीमियम पे किया, फर्म ने पे किया. तो किसको पैसा मिलेगा, फर्म को मिलेगा. ठीक है, अच्छा, अब कितना पैसा मिलेगा, तो दोस्तों याद रखना अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो आपको सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा. ठीक है, पूरा सम अश्योर्ड सिर्फ पार्टनर के डेथ होने पे ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन रिटायरमेंट, इसलिए जो पैसा मिलेगा वो होगा सरेंडर वैल्यू. बट यहां एक भी पार्टनर अगर रिटायर होता है तो दिस इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड हेंस यू कंसिडर द सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल द पार्टनर्स पॉलिसी टेकन टुगेदर. तो उन सब के सरेंडर वैल्यू को कंसोलिडेट किया जाएगा और वो बांटा जाएगा हर पार्टनर के बीच में. सो रिटायरिंग पार्टनर इज ही एंटाइटल टू ओनली सरेंडर वैल्यू ऑफ हिज पॉलिसी? नो, ही इज एंटाइटल टू सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल द पार्टनर्स पॉलिसी अमाउंट टेकन टुगेदर. ठीक है, आंसर इज फॉल्स. ओके,